गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके इस चैती यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ट्रैवल विथ मराठी मानूस। तो लगभग एक महीने बाद मैं फिर आपको समृद्धि महामार्ग के बारे में अपडेट देने के लिए आया हूँ। दोस्तों काफ़ी समय हो गया था, मौका नहीं मिल रहा था। आज संडे छुट्टी मिल गई और हम वहाँ पहुँचे समृद्धि महामार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पे, मतलब 0 किलोमीटर पे। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बारिश का मौसम। पिछले 3 दिनों से दोस्तों यहाँ पर काफ़ी झमाझम बारिश हो रही है नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। बहुत अच्छी तरह से मौसम काफ़ी सुहाना है और सूरज की किरणें अभी तक तो आसमान में नहीं दिखाई दे रही है। तो इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए हम चलते हैं अभी समृद्धि महामार्ग के सैर पर। देखते हैं कितने किलोमीटर तक का रास्ता अभी तक बन चुका है, क्या प्रोग्रेस है। लेटेस्ट अपडेट आपको मैं इस रास्ते के बारे में देना चाहूँगा। मेरे पीछे आपको एक बोर्ड दिख रहा है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा रियर कैमरा से। ये देखिए दोस्तों, सीधा रास्ता गुमगांव जो समृद्धि महामार्ग की ओर जाता है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है नागपुर की ओर जाने वाला रास्ता, राइट हैंड साइड पे अमरावती जो पुराना हाईवे है मुंबई का, और मेरे पीछे वाला रास्ता जहाँ से मैं आया हुआ वो है हिंगना। तो अभी हम है हिंगना तहसील में। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है अभी पहला इंटरचेंज समृद्धि महामार्ग का, 0 किलोमीटर वाला, काफ़ी बड़ा इंटरचेंज है। कल की बारिश की वजह से काफ़ी पानी यहाँ पर जमा हुआ है। यहाँ से मैं आया दोस्तों, यह है हमारे हिंगना की ओर जाने वाला रास्ता जो सिर्फ यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी हम है समृद्धि महामार्ग के पैकेज 1 पे। ये जो आप इस साइड वाला रास्ता देख रहे हैं, ये जा रहा है नागपुर की ओर। नागपुर का सेंट्रल बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन यहाँ से करीबन 18 से 20 किलोमीटर दूर आएगा, और जो एयरपोर्ट है वो यहाँ से 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस साइड से आप देख रहे हैं, ये जाता है पुराने मुंबई के हाईवे की तरफ। मैं आपको एक बार यहाँ का बोर्ड भी आपको दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ का पैकेज 1 का जो बोर्ड है वो आगे दिख रहा है वहाँ पर कुछ दूरी पर, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा नज़दीक से। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। तो ये है दोस्तों फर्स्ट इंटरचेंज का नज़ारा समृद्धि महामार्ग का। ये जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता सीधा जा रहा है नागपुर की ओर। और मौसम देखिए दोस्तों क्या सुहाना है। बारिश की वजह से नालियाँ देखिए, छोटी छोटी जो नाली बनी है पूरी भरी है। और काफ़ी बड़ा इंटरचेंज है दोस्तों ये। और जो मैं आपसे बात कर रहा था, तो वहाँ पर समृद्धि महामार्ग के पैकेज 1 का बोर्ड है जो मेघा इंजीनियरिंग कंपनी देख रही है, लेकिन वहाँ पे मैं आपको ले जा नहीं सकता क्योंकि सभी तरह से मार्ग वहाँ से कट चुका है। अपनी बाइक जाने के लिए रास्ता कैसे भी नहीं दिख रहा है। ये JCB के पास वो बोर्ड है दोस्तों, लेकिन पूरा राउंड यहाँ पर बन चुका है अभी, देख रहे हैं आप। तो आज की जो तारीख है दोस्तों 11 जुलाई 2021 संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो इसीलिए सोचा चलिए आपके लिए कुछ वीडियो बना लेते हैं ताकि आपको भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन समृद्धि महामार्ग के बारे में मिलती रहे। आगे देखिए समृद्धि महामार्ग, तो ये 0 किलोमीटर का नज़ारा है दोस्तों। और मैं आप सभी दोस्तों को फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम संतोष कापसे, नागपुर डिस्ट्रिक्ट के हिंगना तहसील में रहता हूँ, और समृद्धि महामार्ग पे ट्रैवल करने वाला मैं पहला इंसान हूँ जो करीब करीब 8-9 महीने पहले जिसने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जो नागपुर से यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से आखिर तक मुंबई तक अपनी इस बजाज प्लैटिना बाइक से गया है। तो अगर आपने मेरे वो पुराने वीडियोज़ देखे नहीं है और आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं।
पिछले साल के अक्टूबर नवंबर महीने में मैं गया था, काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी आप लोगों का प्यार मिला, इसीलिए फिर से मैं इस रास्ते के बारे में आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से शुरुआत हो चुकी है दोस्तों समृद्धि महामार्ग की, और ये रास्ता आप देख रहे हैं बुटी बोरी MIDC और गुमगांव की तरफ जाने वाला समृद्धि का ये महामार्ग है। और ये जो बुटी बोरी MIDC है दोस्तों, तो ये एशिया की सेकंड लार्जेस्ट MIDC मानी जाती है, इंडस्ट्रियल एरिया। और ये जो आप सामने देख रहे हैं FSC का गोडाउन दोस्तों, यहाँ से मॉल्स के लिए अलग अलग चीज़ें सप्लाई की जाती है, काफ़ी बड़ा गोडाउन है ये। चलिए चलते आगे। तो ये आप देख रहे हैं अभी समृद्धि महामार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट्स का नज़ारा, और ये मैं आपको डिस्टेंस दिखा देता हूँ, 0+350 मतलब अभी 350 मीटर पर हम आ पहुँचे हैं। और ये यहाँ पर इन्होंने डिवाइडर लगाना शुरू किया है दो लेन के बीच में। अब उस साइड वाला जो लेन है, जो मेरे राइट साइड वाला लेन है दोस्तों, वो 4 लेन है, और ये लेफ्ट साइड वाला भी अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट लेन काफ़ी बड़ा है ये, यहाँ तक फर्स्ट लेन, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो फोर्थ वाले के साइड में आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे गट्टू लगाए जाएंगे। आगे देखते हैं रास्ता कितना बना है, कहाँ तक कंस्ट्रक्शन शुरू है। चलिए, तो ये हम आ पहुँचे अभी करीब करीब आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पर समृद्धि महामार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट से। और ये आप देख रहे हैं ऑरेंज सिटी लॉजिस्टिक पार्क, जो मैंने आपको बताया था FSC के नाम से भी इसे जानते हैं। यहाँ से शॉपिंग मॉल्स में मटेरियल सप्लाई किया जाता है, पैकिंग किया जाता है यहाँ पर, और वो सप्लाई किया जाता है। और ये आप खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, और क्या खूबसूरत बात है दोस्तों, देखिए बढ़िया धूप भी खिल चुकी है सवेरे, अभी टाइम हो रहा है लगभग 8 बज रहे हैं अभी सवेरे के। और यहाँ पे अभी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आधे किलोमीटर का नज़ारा है दोस्तों, चलिए चलते आगे। ये हम आ पहुँचे दोस्तों 1 किलोमीटर की दूरी पर स्टार्टिंग पॉइंट से। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा अंडरपास बना है,
और ये इतना बड़ा अंडरपास जो है वो गुमगांव जाने वालों के लिए है दोस्तों। आगे जो आप गांव देख रहे हैं ये गुमगांव है। बारिश की वजह से नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हो चुके हैं दोस्तों। ये देखिए आज मौसम बड़ा सुहाना है और आपको हर एक चीज़ दिखाना है।